हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इन्होंने कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उन्हें देखकर हमें बताना है कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहले जान लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो और वेरिएबल के साथ कोफिशियंट हो। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं? कोई भी अल्फाबेट एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। कोफिशियंट उस वेरिएबल के साथ जो नंबर यूज होता है वो उसका होता है कोफिशियंट। जैसे 5x, वेरिएबल कौन है? एक्स। एक्स के साथ क्या नंबर यूज हो रहा है? 5। 5 क्या बन गया? एक्स का कोफिशियंट। सेकंड, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। उस एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनका एक्सपोनेंट एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, पीएक्स इज इक्वल टू 4x। अब इसमें वेरिएबल भी है, कोफिशियंट भी है और वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर है। अब देखते हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 4x² - 3x + 7। इस एक्सप्रेशन को देखकर बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 4x². 4 क्या है? एक्स का कोफिशियंट। अब एक्स का एक्सपोनेंट क्या है? 2 क्या है? 2 क्या है? होल नंबर। सेकंड टर्म क्या है? -3x। 3 क्या है? एक्स का कोफिशियंट, एक्स वेरिएबल। एक्स का एक्सपोनेंट कितना है? 1, जो कि है होल नंबर। तो क्या है ये एक्सप्रेशन? पॉलिनोमियल। सेकंड है y² + √2। y क्या है? वेरिएबल। y का एक्सपोनेंट क्या है? 2, जो कि है होल नंबर। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। सेकंड, 3√t + 3√2। फर्स्ट टर्म है 3√t। t क्या है? वेरिएबल। t का एक्सपोनेंट कितना है? 1/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड है y + 2/y। फर्स्ट टर्म क्या है? y। y का एक्सपोनेंट कितना है? 1, जो कि है होल नंबर। तो इस टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड है 2/y। y का एक्सपोनेंट कितना है? -1। -1 होल नंबर नहीं है। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट दी कोफिशियंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उनमें हमें x² का कोफिशियंट बताना है। फर्स्ट है 2 + x² + x। अब x के साथ क्या नंबर यूज हो रहा है? 1। तो x² का कोफिशियंट क्या बन गया? 1। कोफिशियंट ऑफ x² = 1। सेकंड है 2 - x² + x³। x² के साथ क्या नंबर यूज हो रहा है? -1। कोफिशियंट ऑफ x² क्या हो गया? -1। थर्ड है π/2x² + x। x² के साथ क्या नंबर यूज हो रहा है? π/2। कोफिशियंट ऑफ x² क्या बन गया इस पॉलिनोमियल में? π/2। फोर्थ है √2x - 1। अब इस पॉलिनोमियल में x² तो है ही नहीं, तो अब हम इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख लेते हैं, √2x - 1 + 0x². अब x² का क्या है कोफिशियंट? अब किसी भी चीज की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह तो हो जाएगा 0। तो ये टर्म तो यही है। अब इसमें x² का कोफिशियंट क्या है? 0। कोफिशियंट ऑफ x² = 0। क्वेश्चन नंबर 3। गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री हो 35 और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री हो 100। तो पहले देखते हैं बाइनोमियल जिसकी डिग्री हो 35। बाइनोमियल कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें होती है 2 टर्म? तो हमें सबसे पहले तो 2 टर्म बनानी है। तो मैं यहां एक वेरिएबल ले लेती हूं, मैं यहां एक्स ले रही हूं, आप कोई भी ले सकते हैं वाई टी। तो बाइनोमियल में क्या होती है? 2 टर्म। तो मैं यहां सबसे पहले 2 टर्म लिख लेती हूं, ठीक है। डिग्री क्या लिखनी है इसकी? डिग्री क्या बनानी है इसकी? 35। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? उसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर। तो यहां हाईएस्ट पावर क्या लेनी है? 35। अब सेकंड वाले वेरिएबल की पावर क्या होगी? 35 से कम, तो मैं ले लेती हूं 34। तो ये बन गया एक बाइनोमियल डिग्री 35 का। सेकंड देखते हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री हो 100। मोनोमियल कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें होती है एक टर्म? तो सबसे पहले हमें एक टर्म बनानी है। वेरिएबल ले लेते हैं वाई, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स, टी, ए, बी, सी। मैं यहां वाई ले रही हूं,
मोनोमियल, तो हमें मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है तो लेनी है एक टर्म, डिग्री क्या रखनी है इसकी 100। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट दी डिग्री ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इन्होंने कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उनकी हमें डिग्री बतानी है, तो पहले जान लेते हैं कि डिग्री होती क्या है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 5x³ + 4x² + 7x। इसमें वेरिएबल कौन है? एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 3। सेकंड, 4 - y², वेरिएबल कौन है? वाई। वाई की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। डिग्री क्या हो गई? 2। थर्ड, 5t - √7, वेरिएबल कौन है? टी। टी की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। डिग्री क्या हो गई? 1। 4, 3, अब इसमें कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3x की पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो 3 को कैसे लिख लिया? 3x². अब वेरिएबल कौन है? एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर 0, तो क्या हो गई? डिग्री 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई दी फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन्होंने कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, उन्हें देखकर हमें बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब पहले जान लेते हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री होगी 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट, x² + x, वेरिएबल कौन है? एक्स। एक्स की डिग्री, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। डिग्री क्या बन गई इसकी? 2। और 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक। ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल, x - x³, वेरिएबल कौन है? एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। इसकी डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की? डिग्री 3। 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड, y + y² + 4, वेरिएबल कौन है? y। y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन गई? 2। 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1, 4 है 1 + x, वेरिएबल कौन है? x। x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 1। 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। 5th है 3t, वेरिएबल कौन है? t। t की हाईएस्ट पावर 1। डिग्री क्या बन गई? 1। और क्या बन गया ये? लीनियर पॉलिनोमियल। 4r², वेरिएबल क्या है? r। हाईएस्ट पावर 2। डिग्री हो गई 2 और बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 5th है 7x³, वेरिएबल कौन? x। हाईएस्ट पावर 3। डिग्री क्या बन गई? 3। क्या बन गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।